ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। दोस्तों इसके अंदर 1 से लेकर 7 तक आपको ट्रिक एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपका प्रॉफिट होने के काफ़ी अधिक चांस है, क्योंकि तुक्के से गेम नहीं खेला जाएगा। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट डजन ट्रिक एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर डजन की इसके अंदर 4 ट्रिक एक्सप्लेन की जाएगी। अच्छी तरह समझने के बाद ही प्ले करना, रिस्क बहुत कम होगा। बस कंट्रोल से और पेशेंस से थोड़ा सा खेलना, आपका प्रॉफिट डेली का निकल सकता है अगर आप आराम से खेलोगे। ये 7 ट्रिक समझने के बाद आप इस गेम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। न्यू सीजन में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, वीडियो को हम फर्स्ट डजन ट्रिक से एक्सप्लेन करेंगे जो सॉफ्ट ट्रिक है, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो दोस्तों, अब जैसे ही गेम चल रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डजन आपको पता है 20 के इसके अंदर 3 गुना पैसे मिलते हैं, इसके 60 रुपये मिलेंगे। लेकिन हमें एक साथ 2 डजन यूज़ करनी होगी, चाहे फर्स्ट सेकंड कर लो, चाहे सेकंड थर्ड कर लो, या सेकंड थर्ड या थर्ड फर्स्ट कर लो। एक साथ 2 डजन यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क बहुत कम होगा। 1 डजन आपको छोड़ना होगा, चाहे आप कोई भी डजन छोड़ सकते हो। अब जैसे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना होगा कि कौन सी डजन आने की सबसे अधिक संभावना होती है। जैसे अभी जस्ट 15 नंबर आ चुका है, पीछे नंबर आया था 19, फिर आया था 15, मतलब सेकेंड डजन में 3 बार आ चुका है। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि 1 डजन में 3 बार या 4 बार आ चुका है, तो वो डजन छोड़कर आप अदर डजन लगा सकते हो। जैसे हम फर्स्ट और थर्ड डजन एक बार 20-20 की आप ट्राई करके देखो कि फर्स्ट में 20 और थर्ड में 20, अगर विन हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम 20 की जगह 50 या 60 रुपये आप लगा सकते हो, क्योंकि आने के सबसे अधिक चांस है। इस बार देखते हैं कि कौन सा नंबर आने के सबसे अधिक चांस है। लेकिन सेकेंड डजन जूँ जूँ सेकेंड डजन में नंबर आएगा, वैसे कम चांस होते जाएंगे। जैसे आप सेकेंड डजन में आने के कम चांस है, अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर हम फर्स्ट और थर्ड डजन के अंदर 50 की या 100 की अपने अमाउंट के हिसाब से आप बेटिंग कर सकते हो। लेकिन अधिकम बेटिंग मत करना, से हिसाब से करना कि आप 10 बेटिंग तक कंटिन्यू खेल सकते हो। अब फर्स्ट और थर्ड डजन में आप 100 की बेटिंग लगा सकते हो, क्योंकि सेकेंड डजन में, फर्स्ट और थर्ड डजन में आप बेटिंग करिए, सेकेंड डजन में कम आने की संभावना है। बाई चांस ऐसा होता है कि 10 बार या 15 बार ये नंबर आ जाए कि सेकेंड डजन में ही आ जाए, तो उस टाइम उस गेम को छोड़ने में ही आपको फ़ायदा है। अब आपको फर्स्ट और थर्ड डजन में बेटिंग कीजिए, क्योंकि कम चांस है सेकेंड डजन में, ऐसा बहुत कम होता है कि बार बार वही डजन आपको दे, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड डजन में आप 100-100 की बेटिंग, जैसे अमाउंट के हिसाब से, अगर 500 आपकी आईडी में है तो आप 20-20 की भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप 8 नंबर आ चुके हैं तो हम विन हो चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, सेकेंड डजन तो हमें नहीं लगानी, अब फर्स्ट और थर्ड डजन लगाएंगे, क्योंकि सेकेंड डजन में पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार आएगा सेकेंड डजन में, तो हम फर्स्ट और थर्ड डजन ही लगाएंगे। हम विन हो चुके हैं तो हम फर्स्ट और थर्ड डजन में 20 की द्वारा स्टार्ट कर दो। एक बार विन होने के बाद फिर लो अमाउंट से स्टार्ट करो, जैसे जैसे लॉस होता है तो आप क्या करो, हाई बेटिंग करते जाओ। लेकिन एक टाइम तक, अगर आपको लगता है कि 5 टाइम तक हमारा लॉस हो चुका है, तो उस टाइम आप गेम को स्टॉप कर दो, क्योंकि आपका लॉस कम करना है, अधिक नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पकड़े रखो कि ये नंबर आएगा, अब आएगा इस डजन में नंबर ये आएगा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो। अब जैसे 35 में विन हो चुका है तो एक बार छोड़ भी सकते हो गेम को, कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं 35 के बाद कौन सा नंबर आता है, एक बार छोड़ दो। अगर आप 3 टाइम कंटिन्यू विन होते हो तो 4 या 5 टाइम आप गेम को स्टॉप कर दो, सिर्फ देखो कि कैलकुलेशन को समझो कि कौन सी डजन में बॉल जा रही है। हमें सिर्फ डजन को ही कैलकुलेशन करना है, इसके अंदर आपका रिस्क बहुत कम होगा। अब जैसे अब आने की सबसे ज़्यादा संभावना कौन सी है, फर्स्ट और थर्ड डजन में द्वारा आ सकता है, फर्स्ट और थर्ड सेकेंड डजन में कम आने की संभावना है। अगर सेकेंड डजन में आता है तो हम अलग कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सा नंबर आ सकता है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि फर्स्ट और थर्ड डजन में द्वारा आ सकता है नंबर, ठीक है। लेकिन ये देखो अब आ चुका है फर्स्ट के अंदर द्वारा, हम फिर विन हो गए। अब हमें क्या है, अब हम फर्स्ट और सेकेंड डजन लगाएंगे, या तो इसी डजन में आएगा या सेकेंड डजन में आएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के बाद थर्ड डजन आ जाए, ये नहीं हो सकता। हमारा आ सकता है सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड डजन में ही आने की सबसे अधिक संभावना है। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करके आप समझोगे इस गेम को कि किस हिसाब से बेटिंग कर सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट डजन के अंदर क्या होता है, 500,000 का ही प्रॉफिट बहुत है, अगर इतना हो गया तो निकल जाओ गेम से। ऐसा नहीं है कि आज का दिन आपका अच्छा है तो मैं खेलता जाऊँ क्योंकि विन हो रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू खेलते हो तो आपका लॉस भी होगा। इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर पेशेंस करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा इस गेम को कंट्रोल करना सबसे अधिक ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो आपका लॉस हो सकता है।
अब हमें फर्स्ट और सेकंड डजन लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड डजन में आ चुका है, देखो सेकंड डजन विन हो चुका है, अब इस गेम को एक बार छोड़ दो। अब पता नहीं फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा, हो सकता है सेकंड में दोबारा आ जाए, क्योंकि पीछे सेकंड में अगेन 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 इस हिसाब से आया, शायद हो सकता है सेकंड डजन इस बार भी आ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट में आया सेकंड में आया थर्ड में आया थर्ड में आया सेकंड में आया फर्स्ट में आया, इस हिसाब से होता है। तो उस टाइम को गेम को मत खेलो, आप उस टाइम खेलो अगर आपको लगता है कि हाँ अब इस डजन में ये बॉल रुकेगी, उस टाइम आप वेटिंग करो, वो टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सेकंड डजन में आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट में आ गया फिर थर्ड में आ गया फिर फर्स्ट में आ गया फिर सेकंड में आ गया, अब हो सकता है सेकंड में दोबारा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, आने के चांस है कि सेकंड में अगेन आ जाए। देखते हैं कौन सा नंबर आया, 22 नंबर आ चुका है दोस्तों, ये हमारा सेकंड नंबर विन हो गया। लेकिन अब हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा, शायद हो सकता है इसके अंदर आ जाए, लेकिन इसके अंदर आने का कम चांस है, हो सकता है फर्स्ट और थर्ड में आ जाए, फर्स्ट और थर्ड में आने के चांस सबसे अधिक है। इस डजन को छोड़ दो सेकंड को, और फर्स्ट और थर्ड में आने की सबसे अधिक संभावना, इसी हिसाब से खेलोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए